फुटबॉल के क्षेत्र में जिस तरह धोनी पूरे दुनिया में झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी कौन है ये तो शायद इंडिया में जो लोग रहते हैं वहाँ के बच्चे बच्चे को भी पता होगा, यहाँ तक कि एमएस धोनी का नाम बाहर के दुनिया में बहुत भी लिहाज जाता है। और एमएस धोनी का घर कहाँ है? झारखंड में। लेकिन आप अगर ये जानेंगे कि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है उनको ही पता नहीं है कि एमएस धोनी क्या करते हैं या फिर किस लिए फेमस है। जी हाँ दोस्तों, यही आपने अभी देखे हैं और आगे भी और डिटेल में देखने वाले हैं और भी बहुत सारे कुछ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आपको बने रहना होगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूँ। असल में बात कर रहा हूँ मैं झारखंड की मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के बारे में। रघुवर दास जी कुछ दिन पहले एक स्पीच दे रहे थे और स्पीच था एक ओपन मंच से, और वहां पर झारखंड के जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को बताते हुए वो कह रहे थे कि धोनी के जैसा बनो। लेकिन धोनी के जैसा बनने के लिए या फिर धोनी के जैसा बनो ये बोलने से पहले उनको जानना चाहिए था कि धोनी क्या करते हैं। शायद उनको पता भी है, ये शायद उनको पता ना हो। असल में उनको कोई स्क्रिप्ट नहीं थमा दिया गया था, वो खुद से बोल रहे थे, तो वो क्रिकेट या फुटबॉल के बारे में शायद उनका ज्यादा नॉलेज ना हो, या फिर दोनों स्पोर्ट्स को एक ही मानते हैं, या फिर क्रिकेट को फुटबॉल के हैसियत से जानता है या फिर फुटबॉल को क्रिकेट के हैसियत से। फुटबॉल के क्षेत्र में जिस तरह धोनी पूरे दुनिया में झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, फुटबॉल के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे बच्चियां दुनिया में झारखंड का नाम रोशन करें, ये मेरा सपना है और ये सपना को आने वाले समय में हम जरूर पूरा करेंगे। जी हाँ, उन्होंने ऐसे ही बोले थे कि धोनी जैसा फुटबॉलर भारत के लिए गर्व है और झारखंड के लिए भी गर्व है, और वे चाहते हैं झारखंड से और भी धोनी निकले। तो धोनी अगर फुटबॉल खेलता तो कौन से डिपार्टमेंट में रहता? वो होते गोलकीपर। जी हाँ, आप और हम तो जानते ही हैं धोनी क्रिकेट शुरू करने से पहले फुटबॉलर हुआ करता था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये बात मुख्यमंत्री जी ने किस लिए कहे होंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों, और ये भी लिखिए कि क्रिकेट या स्पोर्ट्स के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।